अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाइए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वंदना की किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कोई रेसिपी नहीं बताने जा रही। आज मैं आपको जो किचन में छोटी छोटी चीजें होती हैं, उनके कुछ एक यूज होते हैं, उनकी कैसे संभाल होती है, उसके बारे में कुछ एक टिप्स बताने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब हमारे जो किचन के अंदर जो जो छोटी छोटी चीजें हैं, हम उन्हें सेफ रखने के लिए कुछ एक स्टेप यूज करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम चीनी को लेंगे। मेरी सबसे पहली टिप ये है कि हम चीनी को लेंगे, यानी कि शुगर। जब भी शुगर में जो चींटियां आ जाती हैं गर्मी के मौसम में, तो फ्रेंड्स हमने इसे चींटियों से बचाने के लिए इसके अंदर 2 से 3 लौंग डाल देंगे और इसे सेव कर देंगे। इसको करने के बाद फ्रेंड्स कि कभी भी चींटियां जो नहीं आएंगी हमारी चीनी के अंदर। इसी के साथ फ्रेंड्स, अब हमारी दूसरी टिप है जो हमारे बनाना को लेकर। तो फ्रेंड्स, जो ये बनाना है, हम सभी जानते हैं कि ये जल्दी से गल जाते हैं और हम इसे काफी लंबे समय तक स्टोर नहीं कर पाते। तो इसे बचाने के लिए फ्रेंड्स, हमें देखिए ये ऐसे ज्वाइन किए हुए बनाना है, हम इसे पहले सेपरेट कर लेंगे इस तरह से। फिर हम फ्रेश रैप को लेंगे, ये देखिए इस तरह से हम फ्रेश रैप लेंगे, इसे कट कर देंगे। और फ्रेंड्स, इसे हम जो ये बनाना है इसके पीछे जो ये हम जहाँ से इस बनाना जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इसकी डंडी के साथ इस फ्रेश रैप को इस तरह से कवर अप कर देंगे। ऐसा करने से फ्रेंड्स, जो हमारे जो बनाना है वो काफ़ी लंबे समय तक सेफ रहेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत सारी ऐसी टिप्स हैं जो मैंने खुद से काफ़ी लंबे समय से मैं इन्हें फॉलो कर रही हूँ और ये बहुत ही जो फायदेमंद टिप्स हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इन्हें एक बार ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा ताकि इसका जो फ़ायदा आपको भी मिल सके। फ्रेंड्स, जो मेरी नेक्स्ट जो टिप है वो है हमारी, जो भी हम कोई भी नमकीन का पैकेट या फिर कुछ भी ऐसा जो स्नैक है जो वो ले लेते हैं, तो उसको हम कई बारी जो इसे हम ओपन कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने ओपन कर लिया इसे। इसे ओपन करने के बाद अब हमारे पास कई बार ऐसा भी होता है कि कोई भी ऐसा जो हमारे पास जो एयर टाइट जो डिब्बा है वो नहीं होता खाली। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हमने क्या करना है, इस जो ये कट की हुई जगह को हम फ्रेश रैप लेंगे। फ्रेंड्स देखिए, फ्रेंड्स इस फ्रेश रैप को हम इसके ऊपर इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से पेस्ट कर लेंगे इस तरह से, और फिर गरम प्रेस से इसको प्रेस कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी गरम प्रेस को मैं इसके ऊपर अच्छी तरह से प्रेस कर दूंगी, ये देखिए। ऐसा करने से फ्रेंड्स, ये वापस जो है जिप लॉक हो जाएगा, बिल्कुल से लॉक हो जाएगा। आप देख सकते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से लॉक हो चुका है। मैं इसे आपको कट भी करके दिखाती हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसे मैंने कट करके आपको दिखा रही हूँ। अगर एक बार इस तरह से करेंगे तो ये बिल्कुल पूरी तरह से लॉक हो जाएगा और हमारी जो नमकीन है या फिर कुछ भी ऐसा है तो वो पैकेट बंद वो बंद ही रहेगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं मैंने ऊपर से कट कर दिया है और ये बिल्कुल जिप लॉक, अब ये बिल्कुल लॉक हो चुका है। ये देखिए इस तरह से हमारी जो कोई भी नमकीन है या कुछ भी बिस्किट है तो वो इस तरह से सीलेंगे नहीं। फ्रेंड्स, अब मेरी नेक्स्ट टिप जो आटे को लेकर है। फ्रेंड्स, जब भी हम आटा बना के रखते हैं तो अगर हम उसे एक बार रख दें तो उसके ऊपर कुछ घंटों के बाद पपड़ी जम जाती है। तो फ्रेंड्स, इसे पपड़ी से बचाने के लिए हमें आटा गूंथकर इसके ऊपर हम थोड़ा सा
ऑयल लगा देंगे या फिर रिफाइंड घी लगा देंगे और इसे इस तरह से अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे और ऐसा और इसके बाद हम इसे ढक देंगे। फ्रेंड्स, ऐसा करने से हमारा जो आटा है अगर हम एक बार रात को भी गूंदें तो भी ये सुबह तक बिल्कुल फ्रेश ही नजर आएगा। फ्रेंड्स, बिल्कुल भी इसके ऊपर पपड़ी नहीं आएगी। फ्रेंड्स, ये टेक्निक मैं बहुत बार यूज कर चुकी हूँ, आप भी करके देखिए। जब कभी हम कोई सब्जी बनाते हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है कि उसमें जो नमक तेज हो जाता है, तो फ्रेंड्स अगर हमारी सब्जी में नमक तेज हो जाए तो हम आटे की इस तरह से छोटी छोटी लोइयां बनाकर इस तरह से और उस सब्जी के बीच में डाल देंगे, जिससे सब्जी में नमक बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा आटा है फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा नमक को ऑब्जर्व कर लेगा। इसके बाद फ्रेंड्स मेरी नेक्स्ट टिप है, देखिए फ्रेंड्स मेरी नेक्स्ट टिप है नमक को लेकर। फ्रेंड्स, जब भी कभी बारिश का मौसम होता है तो हमारा जो नमक है वो बिल्कुल सिल जाता है, तो इसे सीलन से बचाने के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना। फ्रेंड्स, हमें ये दो बिस्किट लेकर, कोई भी बिस्किट लीजिए और नमक के अंदर डाल दीजिए, क्योंकि नमक के अंदर जो बिस्किट है इसकी जो नमी होगी उसे ऑब्जर्व कर लेंगे और फिर इसे एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरी नेक्स्ट टिप लेकर सैंडविच को और मक्खन को लेकर है। जब कभी ऐसा होता है फ्रेंड्स कि हमने जो मक्खन बनाया हो या उसे हमने फ्रिज में रखा है तो बिल्कुल टाइट हो जाता है, चाहे वो घर का मक्खन है या मार्केट से लिया हुआ मक्खन होता है। फ्रेंड्स, तो हमने अगर सैंडविच पे या फिर हमने ब्रेड पे स्प्रेड करना है तो वो स्प्रेड नहीं होता, क्योंकि वो सब बहुत टाइट होता है। तो अगर ऐसा हो तो फ्रेंड्स इसके लिए हम एक कद्दूकस लेंगे और मक्खन को इस तरह से कद्दूकस कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से हम कद्दूकस करेंगे और इसे हम ब्रेड पे स्प्रेड कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप नींबू को लेकर है। फ्रेंड्स, जब कभी हम नींबू का यूज कर लेते हैं तो इसके जो, देखिए यूज कर चुके हैं, इसका जो बाकी पार्ट है ये भी बहुत फायदेमंद है। फ्रेंड्स, इसे हमने फेंकना नहीं है। फ्रेंड्स, इसके ऊपर हम, मैंने ये नमक स्प्रेड किया है, इसके ऊपर नमक लगाकर हम किसी भी बर्तन पे, चाहे वो स्टील का हो या तांबे का हो, उसे रगड़ देंगे अच्छी तरह से, तो हमारे बर्तन बिल्कुल चमक जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरी नेक्स्ट टिप जो है वो कुकीज को लेकर है। फ्रेंड्स, जब कभी हम कुकीज बनाते हैं, कई बार जो है हमारी कुकीज किसी रीजन से जल जाती है, तो फ्रेंड्स हमने उसे फेंकना नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, तो इसका भी सॉल्यूशन है, ये खराब नहीं हुई, तो हम एक कद्दूकस लेंगे, उसे इस तरह से हम कद्दूकस कर देंगे, जले हुए पार्ट को अच्छी तरह से हम कद्दूकस कर देंगे और आप देख सकते हैं कि ये ऊपर का हिस्सा साफ होता चला जा रहा है, तो हमारी कुकीज भी साफ हो जाएंगी इस तरह से और हमारी कुकीज खाने लायक फिर से हो जाएंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अब कद्दूकस करने के बाद हमारी कुकीज फिर से सही हो गई, तो इसे फेंकने की जरूरत नहीं है, इसे साफ करके हम यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं आजकल हम सभी हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं, तो हम अगर कोई भी चीज तली हुई खाते हैं तो हम ये जरूर चाहते हैं कि जो भी हम खाएं उसमें ऑयल जो हो वो थोड़ा कम हो। अगर फ्रेंड्स हम पूड़ी या पकोड़े या कुछ भी ऐसा डीप फ्राई वाली चीजें खाते हैं तो उसके लिए अगर हमने पैन में ऑयल को लिया है, उसे गर्म कर दिया है और अगर हम ये चाहते हैं कि जो हमारा जो भी चीज हमने बनाई है उसके अंदर पूरी तरह से घी ना आए, तो इसके लिए हमें एक चम्मच जो नमक है वो हम इस ऑयल में डाल देंगे। ऐसा करने से फ्रेंड्स जो भी चीज हम इस तरह, जो हम कुछ भी बनाएंगे, चाहे वो पूरी है, समोसे है, पकोड़े है, कुछ भी है, तो उसके अंदर ऑयल बिल्कुल भी नहीं आएगा, बिल्कुल खस्ता भी तैयार होंगी और बिल्कुल भी ऑयल नहीं आएगा। फ्रेंड्स मेरी नेक्स्ट टिप जो है वो घी बनाने को लेकर है।
देसी घी बनाने को लेकर है। फ्रेंड्स, जब भी हम देसी घी बनाते हैं तो उसकी जो स्मेल है वो किसी को भी अच्छी नहीं लगती। फ्रेंड्स, तो इस स्मेल को दूर करने के लिए जब भी हम देसी घी बनाएं तो इसके लिए उसके अंदर एक पान का पत्ता डाल दीजिए और जब घी बनकर तैयार हो जाए तो उस पत्ते को निकाल कर अलग कर दीजिए। इससे स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी फ्रेंड्स, और हमारा घी भी अच्छा तैयार हो जाएगा।